इंडस्ट्री में दो तरह के एक्टर होते हैं, एक जो अभिनय यानी एक्टिंग करते हैं, हम देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है फिर हम भूल भी जाते हैं कि किरदार का क्या नाम था, कहानी क्या थी। दूसरे तरह के एक्टर्स होते हैं हु ब्रिंग अ लॉट ऑफ एसेंस इनटू देयर एक्टिंग, लेयर्स इनटू देयर एक्टिंग, उनका वॉइस, उनका मैनरिज्म, उनका अभिनय, उनका चलने का स्टाइल लोगों को कई सालों के बाद भी याद रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए एक्टर वो जो अच्छा काम करे, सुपर एक्टर वो जो कल्ट क्लासिक वाला काम करे। और आज मैं ऐसे ही एक सुपर एक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, संजीव कुमार ऐसे एक्टर हैं जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। और आज मैं ए लिस्ट विद अरुण में ऐसी मूवी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रंजीता, सनिका, मार्क जुबैर और संजीव कुमार इज अ ब्लाइंड मर्डरर। अभी तक आपको समझ में नहीं आया मैं किस मूवी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। मूवी का नाम था कत्ल एंड रिलीज्ड 2 मंथ्स आफ्टर संजीव कुमार डेथ। ए लिस्ट विद अरविंद। कत्ल मूवी की स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी एंड इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ हॉलीवुड मूवी। तो इस कहानी में सारिका एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो थिएटर में अपना डेब्यू करना चाहती है। संजीव कुमार उनके मेंटोर हैं, उनके दोस्त हैं और धीरे धीरे उनको उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में संजीव कुमार की आंखें चली जाती है और सारिका स्टार्ट्स चीटिंग ऑन हर हस्बैंड विद मार्क जुबैर जो संजीव कुमार के बहुत ही अच्छे दोस्त है। बस संजीव कुमार को यह बात पता चल जाती है, उनको बहुत गुस्सा आता है लेकिन अपने गुस्से को वो संयम में और कंट्रोल में रखते हैं। And fascinatingly, he plans a murder of his wife. अब दुनिया यकीन कैसे करेगी कि जो हस्बैंड देख ही नहीं सकता वो अपनी पत्नी का कत्ल अपने घर से इतने दूर कैसे प्लान करके कर सकता है? That's the story for कत्ल, आपको देखनी चाहिए। It's a beautiful hidden gem. वाह! मैं तुम्हारी खून की श्रद्धांजलि दे दूंगा। क्या बात! मानो या ना मानो, मौत के एग्जैक्टली एक दिन पहले संजीव कुमार वाज एक्चुअली डबिंग फॉर कत्ल, लेकिन फिर उनके अनटाइमली डेथ के बाद सुदेश भोसले जी हैड टू स्टेप इन टू फिनिश द डबिंग फॉर संजीव कुमार। रंजीत, ये लोग क्या कह रहे हैं? रोहिणी की लाश तुम्हारे फ्लैट में? वाह, बिलीव मी राकेश, मैंने रोहिणी का खून नहीं किया, मैं भी इनसे यही कह रहा था। कत्ल मूवी को डायरेक्ट किया था आरके नायर साहब ने। जी हाँ, वही आरके नायर हु एक्चुअली डायरेक्टेड इंतकाम बैक इन द 1960s और 1970s। और 17 सालों के बाद वो अपना कमबैक कर रहे थे। बट सैडली ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ कत्ल उनकी वाइफ साधना जी, दी मोस्ट फेमस यस्टरडे एक्ट्रेस, उनके आंखों में एक इन्फेक्शन हो गया और नायर साहब चाहते थे कि वो लंदन जाए अपनी बीवी को लेकर। लेकिन साधना जी को पता था कि मूवी का नुकसान होगा, एक्टर्स का नुकसान होगा अगर वो लंदन चली गई, एंड दैट्स व्हाई शी वांटेड टू स्टे बैक इन मुंबई ओनली फॉर अ ट्रीटमेंट। संजीव कुमार जितने अच्छे एक्टर थे, बिलीव इट और नॉट, दिस वाज वन ऑफ द फ्यू मूवीज जहां पर वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। कारण ये था कि सारिका जी ने बचपन से संजीव कुमार को संजीव अंकल कह के बुलाया था और सारिका जी के साथ जब उनके कुछ रोमांटिक सीन्स थे, संजीव कुमार वॉज नॉट एग्जैक्टली टू कंफर्टेबल विद दैट केमिस्ट्री एंड दैट इक्वेशन ऑन कैमरा। अगर आप बारीकी से मूवी को देखोगे ना तो समझोगे कि कुछ सीन्स है जहां पर संजीव कुमार उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं सारिका जी। आज मेरा बर्थडे है। आंखों का ट्रीटमेंट उनका इंडिया में ही हुआ एंड नायर साहब की मूवी भी समाप्त हुई, लेकिन सैडली वी लॉस्ट संजीव कुमार जस्ट 2 मंथ्स बिफोर द रिलीज ऑफ दिस एब्सोल्यूट कल्ट क्लासिक मूवी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस मूवी का नाम एक्चुअली रखा गया था मोहब्बत का सफर एंड देन वॉज चेंज टू कत्ल क्योंकि संजीव कुमार liked a shorter name for this particular movie. आज का ये रवि आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। This is one movie you should definitely watch. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Radio Nasha.